हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। तो ये मेरे हाथ में है छोटे से लड्डू गोपाल। तो आज की वीडियो में मैं कॉटन ड्रेस इनकी सिखाने जा रही हूँ कि 0 से लेकर 2 नंबर के लड्डू गोपाल की जो ड्रेस है वो हम आसानी से घर पर कैसे बनाएं। तो चलिए आइए बनाते हैं इनकी नेफी ड्रेस बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं कॉटन का कपड़ा। तो इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 3.5 इंच है, आप 4 इंच भी ले सकते हैं। और जो लंबाई है वो है लगभग 17 इंच, 17 से 18 इंच आप इसको ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 17 इंच लिया है। तो इसके बाद हम लेंगे यहाँ पर नेफा। नेफे के लिए मैंने यूज़ किया है, लंबाई कपड़े की 4.5 इंच है और जो चौड़ाई है वो लगभग 1.5 इंच है। तो यहाँ पर ये है नेफा। अब इनके लिए जो नेफी हम तैयार करेंगे उसके लिए हमने एक कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई है लगभग 7 इंच, इसकी लंबाई है 7 इंच और जो चौड़ाई है, मैंने इसको फोल्ड किया हुआ है और जो चौड़ाई है वो है 2.5 इंच, 2.5 इंच। और इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, बराबर बराबर दो हिस्से करेंगे, इससे इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक बार और इसको फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम बनाएंगे इनकी कैप। तो कैप के लिए भी मैंने कपड़ा फोल्ड किए करके रखा हुआ है। तो लंबाई चौड़ाई मैं बता देती हूँ, लगभग 4.5 इंच हम जो है लंबाई लेंगे, 4 इंच, और जो चौड़ाई है वो हमने ली है 2.5 इंच, 2.5 इंच हमने चौड़ाई ली है। तो ये है, ये कपड़ा हो गया कैप के लिए। तो इसको भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे कैप के लिए कपड़ा। तो सबसे पहले हम ये कपड़ा लेंगे और इसको, ये हमारा सीधा साइड है और ये हमारी उल्टी साइड है। तो रॉन्ग साइड से हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच कर लेंगे दोनों साइड से। देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर देना है और इसको फिर दोनों साइड से हम सीधा कर लेंगे। इस तरह सीधा करने के बाद यहाँ पर हम गोल्डन लेस यूज़ करेंगे और आप चाहे इसको स्किप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको मोड़ कर यहाँ से लेकर और लास्ट तक मैं इसको स्टिच कर दूँगी, दोनों साइड में जो है सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से हमने जो है लेस रख ली है, ये हमारा ओपन वाला पार्ट है। और देखिए लेस रखने के बाद जो नेफा है, नेफे की जो दोनों साइड्स हैं वो थोड़ा फोल्ड करने के बाद जो हमारे पास लंबाई आएगी उसके अंदर हमने प्लेट्स डालनी है इस तरह से। तो इस तरह से हम इसमें प्लेट्स डालेंगे, यहाँ से हम इस तरह से आधा आधा इंच, एक एक इंच की जो है वो प्लेट्स डालेंगे, आधा इंच इस साइड आधा इंच इस साइड, इस तरह से हम प्लेट्स डालेंगे। इस तरह से हम इसमें प्लेट्स भर लेंगे, इसको रख लेंगे साइड में और आप इसको नापते जाइए और प्लेट्स इसमें भरते जाइए। तो मैं स्टिच कर लेती हूँ फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। इस तरीके से हमने जो है प्लेट्स जो है बना लेनी है। उसके बाद जो हमने नेफी के लिए कपड़ा लिया है उसको हम लेंगे और जहाँ से ये पार्ट ओपन है यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। इस तरह से इसको हमने स्टिच कर लिया है। उसके बाद देखिए इसको क्या करना है, हम ऐसे करेंगे और लगभग हम यहाँ पर निशान लगाएंगे क्योंकि उनकी नेफी को हम थोड़ा सा स्टिच भी करेंगे। तो लगभग 2 इंच हम उनकी नेफी को, 2 से 2.25 इंच तक हम उनकी नेफी इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको स्टिच कर देंगे। इस तरह से स्टिच कर देंगे और स्टिच करने के बाद इसको हम जो हमारी उल्टी रॉन्ग साइड है, ये वाली जो साइड है, इस पे हम इस तरीके से स्टिच कर देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ बीचों बीच में निशान लगा लेना है। यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे, यहाँ मार्क करने के बाद जो ये मिडिल वाला जो हिस्सा है उसको हम बीच में ऐसे रख देंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच कर देंगे।
देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद हम इसको इस तरह से सीधा कर लेंगे। उसके बाद जो नेफा है उसको लेंगे और थोड़ा सा हिस्सा हम ऐसे मोड़ देंगे दोनों साइड से इस तरीके से, और यहाँ पर रख कर हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच कर देंगे। उसके बाद इसको एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर एक बार और यहाँ पर स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरह से हमने ये नेफा सिल लिया है। नेफा स्टिच करने के बाद आप चाहें तो इसमें डोरी डाल सकते हैं। अगर आप डोरी नहीं डालना चाहते तो मैं यहाँ मेरे पास यहाँ पर डोरी इस समय नहीं है, तो मैं यहाँ पर इस लेस का यूज़ कर रही हूँ। तो 3 इंच हमने यहाँ पर लेस छोड़ दी है, 3 इंच यहाँ छोड़ देंगे और 3 इंच ही इस साइड छोड़ देंगे। और इस तरीके से मैं इसको डबल करके इस तरह से लास्ट तक यहाँ तक स्टिच कर देंगे और यहाँ पर भी हम 3 इंच छोड़ देंगे। यहाँ पर मेरी थोड़ी सी ख़राब है लेस, तो मैं स्टार्टिंग यहाँ से करूँगी। तो यहाँ से ये वाली 3 इंच छोड़ देंगे इस साइड में, 3 इंच इस साइड में छोड़ देंगे और इस तरीके से स्टिच कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर लैस स्टिच कर दी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लेंगे इनकी पगड़ी, जो मुकुट बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे। ये वाली जो लैस है, या तो आप पूरी आप इस पर रख दीजिए इस तरीके से, और या फिर आप ये किनारे पर भी आप थोड़ा थोड़ा रख सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर पूरा रख रही हूँ इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने लैस को लग रख लिया है। उसके बाद देखिए इस किस तरह से इनको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के लिए हम इस तरह से पकड़ेंगे, दोनों हिस्से बराबर करेंगे और इस तरह से इसको क्रॉस बनाएंगे। और जो फिंगर है आपकी ये वाली मिडिल फिंगर, इसमें आप इस तरह से फिंगर को लगा के सेट कर दें, क्योंकि फिंगर के बराबर उनका फेस होता है, छोटा सा फेस होता है। देखिए और मैं आप नाप के भी दिखा देती हूँ, इतना ही होगा देखिए। और उसके बाद देखिए इसको हम जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम ऐसे बैक साइड में इस तरह से, और इस वाले पार्ट को हम इस तरह से, और यहाँ पर हम सिलाई से स्टिच कर देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। आप चाहें इसे सुई धागे से भी स्टिक कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर पगड़ी तैयार कर ली है। तो इस तरह से हमारी तैयार हो जाती है छोटे से लड्डू गोपाल की ड्रेस। तो मैं आपको बियर करके दिखाती हूँ किस तरीके से हमें इन्हें पहनाना है। तो देखिए इस तरीके से हम पहनाएंगे, ये वाला हिस्सा हम इनकी गर्दन में डालेंगे और बैक साइड से ले जाते हुए इस तरीके से, और हम बैक साइड में ले आएंगे, फ्रंट से ले जाते हुए बैक में ले आएंगे और इस तरह से इनको हम पहना देंगे। ऐसे आप पीछे की साइड ले जाइए और यहाँ पर लाकर हम यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे। इस तरीके से हम इनको आराम से ये वाली ड्रेस पहना सकते हैं और वियर कर सकते हैं। और साथ ही हमारी जो ड्रेस है उनकी नेफी भी तैयार हो जाती है। देखिए बहुत ही प्यारी सी नेफी है, तैयार हो जाती है। तो नेफी के साथ है ये ड्रेस, इसलिए इसको नेफी ड्रेस बोलते हैं। तो आई होप ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी आप प्रेस करें जिससे आने वाली मेरी सभी वीडियोस आपकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। तो इस तरीके से हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस जो है वो रेडी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और मेरे चैनल पर बने रहें। बाय बाय।